दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की रात शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण कर कंबल वितरण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करें, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोने पाए तथा अलाव की व्यवस्था की जाए, जिसकी रियलिटी चेक करने के लिए गोरखपुर न्यूज की टीम मंगलवार को कचहरी एवं रेलवे स्टेशन के रैन बसेरों पर पहुंची तो सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। रैन बसेरों के संचालकों ने बताया कि यहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था ठीक है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। जितने भी राहगीर थे उन सभी से हालचाल लिया और पूछा कि रहने सोने और नहाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। वहीं बरेली के रहने वाले राहगीर विनोद पवार दो दिनों से रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने हमसे पूछा कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई कैसी रहती है और हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि हमेशा गोरखपुर आना जाना होता है, पहले गेस्ट हाउस में रुकते थे लेकिन गेस्ट हाउस जैसी सुविधा रैन बसेरा में मिल जाती है तो अब यहीं पर रुकना होता है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में सोने के साथ साथ अलाव की व्यवस्था रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैन बसेरा में रहने वाले राहगीरों तथा रैन बसेरा के संचालकों जितेंद्र झा एवं अशोक कुमार सिंह ने कहा। मेरा नाम नितेश योगी हुआ, मैं पूर्वी चंपारण से आया हूँ। किस काम से आए थे? बस ऐसे ही यहाँ पे आए थे, क्या बोलते हैं, मतलब पर्सनली तो कल मेरा मुंडन है, मैं नाथ पंथ को मानता हूँ, कल मेरा मुंडन समारोह। हाँ, कैसा क्या व्यवस्था यहाँ? अच्छा, और आज इत्तेफाक से स्वामी जी से मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा, कल मेरा मुंडन भी है। भैया से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत अच्छा व्यवहार है, कॉपरेशन भी अच्छा है और कोई पैसा वैसा का कोई डिमांड ये वो सब कुछ नहीं, और सारा फैसिलिटी यहाँ अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और इत्तेफाक से आज स्वामी जी भी यहाँ भ्रमण में आए थे तो हम लोग उधर बाहर में ही थे और कल मेरा मुंडन है यहीं पर, तो बस ऐसे ही रुके हैं और कल गोरखनाथ मंदिर में मैं भी नाथ पंथ को मानता हूँ, मैं भी योगी हूँ। जी, विनोद पवार। कहाँ से आए? बरेली से आया हूँ। किस काम? मेरा यहाँ जेई का मेडिकल होना था, उसकी प्रोसेसिंग के लिए आया था मैं। कितने दिन से रुके हुए हैं? ये अभी दूसरा दिन है मेरा। कल आप रुके होंगे तो जी, कल मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। जी, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछा कि यहाँ कोई असुविधा तो नहीं है और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है प्रॉपर तरीके से कि नहीं रखा जाता, और आपको कोई अगर असुविधा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना है कहीं तो वो थोड़ा सजेशन दे सकते हैं आप। तो हालचाल पूछा और कहाँ से किस पर्पज़ से आए ये पूछा, और पूछा कि यहाँ के केयर टेकर वगैरह क्या मेंटेन रखते हैं, चीज़ें नहीं रखते, तो उसको हमने बताया कि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले भी आया था तो मैंने यहाँ थोड़ा देखा। पहले मैं गेस्ट हाउस में रुकता था तो वहाँ पे भी ज़्यादा करना पड़ता था और ऊपर से फिर इतनी फैसिलिटी वो होती नहीं थी। गेस्ट हाउस से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है? जी जी, सफाई के मामले, सफाई भी अच्छा है यहाँ, मेंटेनेंस भी अच्छा है और रहने की व्यवस्था भी ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने दूसरी बार मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, मेरे साथ के दोस्त पहले रह चुके थे तो उन्होंने इन्फॉर्म किया, फिर मैंने यहाँ केयर टेकर साहब से बात की, उन्होंने कहा अगर कोई आपका कोई फ्रेंड वगैरह एग्ज़ाम देने आता है तो उसको रेफ़र कर दीजिए, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और उसका ट्रैवल या वैसा रहने का भी वो हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। रैन बसेरा रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 गोरखपुर। मंत्री यहाँ आए थे? जी, आए निरीक्षण करने किए, जितने भी रहने वाले यहाँ बैठे थे
सभी से पूछे कहाँ से आए हैं, किस काम से आए हैं, सभी ने बताया और बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। नहीं हमसे नहीं, जहाँ रुकने वाले से बात किया बस, किसी तरह का आप लोगों का असुविधा है नहाने धोने का, गर्म ठंडा पानी आ रहा कि नहीं, हाँ ये बेड बिस्तर में कोई कंप्लेन है या आपसे किसी तरह का व्यवहार कोई गलत किया जाता है, ये सारे पूछे। सभी खुश थे, सभी ने बहुत बढ़िया कुछ दिया भी उन्होंने, हाँ खाना मिला, बच्चे को चॉकलेट टॉफी वगैरह मिला। क्या कल मुख्यमंत्री आने पे व्यवस्था ठीक थी, आज क्या व्यवस्था? जैसे व्यवस्था कल थी वैसे आज भी है, बिल्कुल। अलाव कैसे चल रहा है आपको? अलाव चल रहा है आज कितना, 4 बज हो गया। अशोक कुमार सिंह। कौन सा रन बसेरा ये? कटहरी रन बसेरा। कल मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने? हाँ। तो क्या सारी सुविधाएं यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध थी, कोई कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी भी खुश होके गए यहाँ से। कुछ कहा भी आपसे? नहीं कहा, और लोगों से जो लोग सोए थे सबसे पूछे कि सभी ने यही कहा कि कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए हुए थे, हाँ टाइट था। हाँ व्यवस्था सही था। कल के बाद आज कैसे? आज भी ठीक है। ठीक है, कोई आया था आज अधिकारी यहाँ? नहीं कोई नहीं आया था। अलाव को क्या स्थिति? अलाव जल रहा है, लकड़ी गिरी है। हाँ लकड़ी गिरी है। और बाकी किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी? नहीं कमी नहीं, कुछ नहीं।